सन 1936 में श्री हंस जी महाराज के गुरु श्री स्वरूपानंद जी महाराज के नंगली में शरीर छोड़ते ही कई सन्यासियों ने खुद को गुरु घोषित कर दिया, तो कुछ उनकी समाधि बनाकर पूजा करने लगे। जब श्री हंस जी महाराज वहां पहुंचे तो ये सब देखकर वे चकित रह गए और अपने गुरु स्वामी श्री स्वरूपानंद जी के पूर्व आदेशानुसार ज्ञान के प्रचार में लग गए। श्री महाराज जी अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास के जीवंत प्रतीक थे। तुम्हारा जन्म करोड़ों जीवों की भलाई के लिए ही हुआ है, गुरुदेव के शब्द सदैव उनकी अंतरात्मा में गुंजायमान होते रहते थे। प्रारंभिक वर्षों में उनका प्रचार क्षेत्र सिंध और लाहौर था। श्री महाराज जी तो भ्रमण ही करते रहते थे और ये प्रेमियों का सौभाग्य होता था कि उन्हें अकस्मात दर्शन हो जाएं, क्योंकि उन दिनों श्री महाराज जी का कोई विशेष निवास स्थान या पता नहीं था। वे तो बस सभी के हृदय में रहते थे, जहां भक्त बुलाते थे या याद करते थे वहीं श्री महाराज जी चले जाते थे। श्री महाराज जी ने लाहौर और सिंध के पश्चात दिल्ली को ही सर्वप्रथम अपने प्रचार का केंद्र बनाया। एक बार श्री महाराज जी रेलवे स्टेशन पर एक मोची से अपना जूता सिलवा रहे थे और उस मोची से कील ना लगाने का आग्रह करने के बावजूद उसने हठधर्मी की व जूते में कील लगा ही दी, तो श्री महाराज जी ने कहा, देख इसको धागे से सिल दे, नहीं तो ऐसी ठोकर मारूंगा कि तीनों लोग दिखाई देंगे। उनकी बात सुनकर पास खड़ा एक व्यक्ति चकित रह गया। वो श्री महाराज जी से पूछने लगा कि आपकी ठोकर में ऐसा क्या जादू है कि आप तीनों लोग दिखा सकते हैं। श्री महाराज जी उसे अपने साथ एक धर्मशाला में ले आए और उपदेश दिया। वे जैसे ही ध्यान में बैठे तो अंदर का दृश्य देखकर गदगद हो उठे। दिल्ली में वे श्री महाराज जी के प्रथम शिष्य हो राम थे। धीरे धीरे दिल्ली क्लॉथ मिल के अनेक कर्मचारी श्री महाराज जी के समीप आने लगे और बड़े आश्चर्य से उनकी बातों को सुनने लगे। प्रथम दीक्षित प्रेमियों एवं शिष्यों में अधिकांश दिल्ली क्लॉथ मिल के कर्मचारी ही थे। उन दिनों गिने चुने प्रेमी होने के कारण उन्हें श्री महाराज जी का घनिष्ठ सान्निध्य प्राप्त हुआ। श्री महाराज जी उन प्रेमियों के साथ खेलते थे, बात करते थे, उनके सुख दुख के साथी थे। एक बार सत्संग के दौरान श्री महाराज जी ने बद्री बाबू से मल्हार राग गाने को कहा, जो पक्के शास्त्रीय संगीत के रागी थे। जैसे ही उन्होंने मल्हार राग की धुन छेड़ी तो श्री महाराज जी एवं सभी श्रोतागण उस राग में मस्त हो गए और थोड़ी देर में छमाछम वर्षा होने लगी। एक विचित्र वातावरण छा गया और सभी वर्षा की बौछारों से भीगने लगे। फिर श्री महाराज जी ने हंसते हुए कहा कि बद्री बाबू, अब कोई ऐसा राग सुनाओ जिससे वर्षा बंद हो जाए। बद्री बाबू ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई राग नहीं आता, तो श्री महाराज जी ने कहा कि आप सभी इस भीगी दरी को बाहर छत पर डाल दें। ऐसा करने पर वर्षा थोड़ी देर में रुक गई और इस विचित्र लीला को देखकर सभी अचंभित हो गए और श्री महाराज जी की जय जयकार करने लगे। वे अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के साथ साथ अपने भक्तों की रक्षा भी करते थे। एक बार एक सत्संग कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे लोग लाठी डंडा लेकर लड़ाई करने के लिए पहुंच गए। जो प्रेमी सत्संग सुनने जाया करते थे वहां के कुछ लोग उन्हें रोकते थे, वह अपशब्द बोलते थे। श्री महाराज जी ने दरवाजा बंद करने की आज्ञा दी, पर वे लोग जोर से दरवाजा खटखटाने लगे व चिल्लाने लगे, बाहर निकलो, आज हम तुम्हें मजा चखाएंगे। थोड़ी देर बाद श्री महाराज जी उठे और वहां पड़ी हुई धोती का कपड़ा सर पर बांधकर बाजरा कूटने वाला मूसल हाथ में लेकर बोले, खोल दो किवाड़। जैसे ही दरवाजा खुला तो महाराज जी के विकराल रूप को देखकर वे सब लोग भागने लगे। उन लोगों को श्री महाराज जी के दसों हजार रूप दिखाई दिए, जिससे वे सब भयभीत हो गए और महाराज जी की इस लीला को देखकर फिर कभी उन्होंने तंग नहीं किया। श्री महाराज जी एक बड़े वट वृक्ष के समान थे, जिनकी छत्र छाया में अनंत जीवों ने सुख पाया। एक बहती हुई गंगा की धारा के समान थे, जिसमें नहाकर अनंत जीव पुनीत हो गए। वे किसी के गुरु थे, किसी के इष्ट
तो किसी के स्वामी, पर निश्चित ही वे एक चलते फिरते प्रयागराज थे।